धन्य है वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 7। इस सुसमाचार में भगवान कहते हैं, अगर हम दूसरों पर दया दिखाते हैं तो वह दया हमको भी प्राप्त होता है। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम दूसरों को दया कर सकें और इस दौरान ईश्वर का वरदान हमें भरपूर मिल सके।